नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान में। दोस्तों हाल में आपने देखा होगा WhatsApp ने एक बार फिर से बहुत सारे न्यू अपडेट्स निकाले हैं। वैसे तो मैं WhatsApp के बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट कभी कोई बड़ा अपडेट आता है या फिर बहुत सारे अपडेट एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है अपने ऑडियंस के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में यही होने वाला है। एक्चुअली WhatsApp ने बहुत सारे अपडेट निकाले हैं, कुछ अपडेट तो बहुत पहले के थे और कुछ हाल ही में निकाले हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए लेट हो क्योंकि आपको वो अपडेट मिल गया होगा और बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा और अपडेट नहीं मिला होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप के अपडेट्स के बारे में नहीं पता है, न्यू फीचर्स के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि आप कैसे इन सबको यूज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए, आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अपने मोबाइल पे आपको सारे फीचर्स दिखाता हूं जो व्हाट्सएप ने अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं और काफी कुछ चेंज हो चुका है, व्हाट्सएप काफी इजी और अच्छा हो चुका है। तो यहां पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं चैट लॉक फीचर की। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम अपना फोन शेयर करते हैं काफी लोगों को, या फिर काफी सारे ऐसे चैट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप मोबाइल किसी को देते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कि वो चैट देख लेगा, तो इस वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। आप अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक चैट लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसको इस ऑन करके आप अपना इस चैट पे लॉक लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न लॉक जैसे भी आपने कर रखा है उस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी कमाल का फीचर है उन लोगों के लिए जो मोबाइल ज़्यादातर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन अपने चैट्स को नहीं दिखाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ये फीचर काफ़ी कमाल का है और यूज अच्छा आ सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आप कभी कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको अभी तक ये था कि अगर आपने कुछ गलती से मैसेज भेज दिया या ऑटो टाइप होके गलत चला गया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है, इससे आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब एडिट करके भेजेंगे तो यहाँ पर एडिटेड लिखा आएगा, ये आपको पता चल जाएगा या आगे वाले को भी पता चल जाएगा कि इस मैसेज को एडिट किया गया है। लेकिन मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये अच्छा है। जब भी आप गलत मैसेज भेजते थे आपको रियलाइज होता है 15 मिनट तक तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, 15 मिनट का टाइम दिया गया है तो आप उस मैसेज को भेज पाएंगे और एडिट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये तो बढ़िया फीचर है क्योंकि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो वहां पर आप इसे सुधार पाएंगे। अगले ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों स्टेटस में अभी आप स्टेटस पे लिंक वगैरह लगा सकते थे और ऑडियो वीडियो फोटो लगा सकते थे, अब आप वॉइस भी लगा पाएंगे। जैसे ही आप स्टेटस पे जाएंगे यहाँ तो आपको वॉइस लगाने का ऑप्शन मिलता है और उसको यूज करके आप वॉइस मैसेज यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही अगले फीचर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपके पास ऐसे अनवांटेड कॉल आए होंगे जो आपको नहीं चाहिए होते हैं लेकिन उनको आप कुछ कर नहीं सकते, आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है तो उसके माध्यम से क्या होगा कि आप उन कॉल को साइलेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल का ऑप्शन है और यहाँ पर आप साइलेंट कर सकते हैं, तो इस तरह के कॉल आएंगे बट आपको पता नहीं चलेगा, साइलेंटली रहेंगे और चले भी जाएंगे, बाद में जब आप अपना व्हाट्सएप उठाएंगे फोन उठाएंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह का कॉल आया था, तो उस केस में क्या होता है आपका टाइम बच जाएगा और अननेसेसरी जब भी आप बार बार फोन की तरह भागते थे तो उस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है ये काफी सही फीचर है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है बहुत दिनों से बात हो रही थी कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस एक्सेस करने का ऑप्शन मिल गया है, तो ये यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं लिंक डिवाइस में यहाँ पर आप 4 डिवाइस तक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 विंडोज कंप्यूटर को ऐड करके रखा है, ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो अलग अलग डिवाइसेस पे काम करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि आप जो डेस्कटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं और मोबाइल तो एक ही है पर डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे उसी समय आए। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको प्राइमरी डिवाइस को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे व्हाट्सअप ऑन हो या नेट हो, आप अपने जो दूसरे डिवाइस होंगे उस पर भी आराम से इसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आपको प्राइमरी डिवाइस को ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको उस डिवाइस में इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, आपने जो दूसरे डिवाइस में आप यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डिवाइसेस में वहाँ पर आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करके कभी भी, और आपको हर बार प्राइमरी डिवाइस पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं हो सकती नहीं होगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मेरे जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पे या अलग अलग कंप्यूटर्स पे तो उस केस में बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये थे वो सारे अपडेट जो अभी हाल ही में आए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट आए हैं जैसे कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में आप अपना प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं और वहाँ पर आपको पता है कि UPI पेमेंट व्हाट्सएप में पहले से है तो आप उसको इस्तेमाल करके पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक चैट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आया है जिससे आप व्हाट्सएप से दूसरे अगर कभी भी फ़ोन चेंज करते हैं तो QR स्कैन करके आप उस पूरे डेटा को चैट को पूरा
आराम से दूसरे फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि आप पहले जी ड्राइव से करते थे, गूगल ड्राइव से ट्रांसफ़र करते थे, अब उसका ऑप्शन, वो ऑप्शन तो है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से आप क्यू आर स्कैन करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको ये जो दिख रहा है कम्युनिटी चैट स्टेटस कॉल, ये सारे ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं, बट अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे तो ये सारे फीचर नीचे आपको यहां पर दिखाई देंगे। और जैसे कि आपको पता है मेटा की बाकी जो ऐप्स हैं फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम, वहाँ पर ये सारे ऑप्शन नीचे हैं, तो व्हाट्सएप में भी ऐसे हो गया है। मेरे पास भी अपडेट आ चुका है पर मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपडेट करूँगा और आने वाले कुछ और फीचर्स को सारे को कवर करूँगा एक दूसरे वीडियो में, इसलिए मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि टेलीग्राम जैसे चैनल का फीचर भी व्हाट्सएप पे आने वाला है कुछ टाइम पे, जैसे कि आप टेलीग्राम पे चैनल्स होते हैं उस तरह का सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो में मैं कुछ और जानकारी आपके साथ लेके आऊँगा और अपना व्हाट्सएप अपडेट करके फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि इसका जो UI है वो किस तरह से चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।